वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज 25 मार्च है और आज हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, मतलब मार्टियर्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर 25 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों मनाया जाता है। देखिए 1931 में 23 मार्च को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी, इसीलिए इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख कौन होगा, सुनील लांबा, करमबीर सिंह, बिपिन रावत या फिर रजनीकांत मिश्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ करमबीर सिंह बनने वाले हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अभी कौन है, तो अभी सुनील लांबा हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, जो 31 मई के बाद करमबीर सिंह इस पद पर नियुक्त हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शंस में बिपिन रावत है, ये बिपिन रावत कौन है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और एयरफोर्स के कौन है, एयरफोर्स के BS धनोआ हैं। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर 25 मार्च। तो ये 23 मार्च को मनाया गया। इसका थीम क्या था, इसका थीम था द सन, द अर्थ एंड द वेदर। मैं फिर से बोल देता हूँ, इस डे का थीम था द सन, द अर्थ एंड द वेदर। देखिए इससे याद आता है कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है, तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस कब मनाया गया, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर 25 मार्च। तो इसे 24 मार्च को मनाया गया। अब इस ट्यूबरक्लोसिस डे का थीम क्या था, इसका थीम था इट्स टाइम, मतलब इट इज़ टाइम, ये इस ट्यूबरक्लोसिस डे का थीम था। हु वॉन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एट एनुअल तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स, वार्षिक तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसने जीता। ऑप्शंस है PV सिंधु, साइना नेहवाल, पुलेल गोपीचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल, जिनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है, कहाँ पर, एनुअल तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स में। इस अवार्ड्स में PV सिंधु को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर इन वुमेन्स सेक्शन अवार्ड दिया गया, पुलेल गोपीचंद को कोच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना को एसोसिएशन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। डैश हैज पार्टनर्ड विथ ESPN क्रिक इन्फो टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नेम्ड सुपर स्टैट्स टू एनालाइज क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स। डैश ने क्रिकेट आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सुपर स्टैट्स होगा नामक एक कृत्रिम बुद्धि उपकरण को लॉन्च करने के लिए ESPN क्रिक इन्फो के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन सा IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास। तो अभी ये काम IIT मद्रास ने किया है, इन्होंने ESPN क्रिक इन्फो के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम सुपर स्टैट्स रखा गया है उसके लिए पार्टनरशिप किया है। ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्ड विथ
dash to provide cyber insurance over for mobile wallet users. ICICI Lombard General Insurance ने मोबाइल वॉलेट उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर बीमा प्रदान करने के लिए डैश के साथ साझेदारी की. तो अभी ICICI Lombard General Insurance ने किसके साथ ये पार्टनरशिप किया है, पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोनपे या फिर एयरटेल मनी? तो अभी इसने मोबीक्विक के साथ ये साझेदारी की है साइबर इंश्योरेंस के लिए. चलिए आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक रैंकिंग फॉर 2018 रिलीज्ड बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2018 के लिए वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट US, बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट UAE या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया. तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट US. तो देखिए नंबर वन पे ये है, नंबर टू पे कौन है? नंबर टू पे है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना. नंबर थ्री पे कौन है? नंबर थ्री पे है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट UAE. और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 12वें नंबर पर है, 12th नंबर पे आता है ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट में. डैश बिकम द फर्स्ट G7 कंट्री टू ज्वाइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इनिशिएटिव ऑफ चाइना. डैश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या चीन के सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इनिशिएटिव में शामिल होने वाला पहला G7 देश बन गया है. तो ऑप्शंस है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इटली या फिर कनाडा. तो इसका आंसर हो जाएगा अभी इटली बन गया है, जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है. अब क्वेश्चन उठता है कि इस G7 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं. देखिए G7 कुछ वर्ष पहले G8 भी हुआ करता था जब उसमें रशिया एडेड था, लेकिन कुछ वर्ष बाद रशिया को G8 से हटा दिया गया और ये G7 वापस से बन गया. तो अभी इस G7 में ये सब कंट्री आते हैं. कौन कौन? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और कनाडा. हु टॉप्ड द एशियन रिच लिस्ट 2019? एशियन रिच लिस्ट 2019 में कौन शीर्ष पर रहा? हिंदुजा फैमिली, लक्ष्मी मित्तल, आदित्य मित्तल या फिर SP लोहिया? तो नंबर वन पर रहे हैं हिंदुजा फैमिली. देखिए नंबर टू पे कौन रहा? नंबर टू पे लक्ष्मी मित्तल और उनके बेटे जिनका नाम आदित्य मित्तल है, ये दोनों नंबर टू पर रहे. और SP लोहिया ये नंबर थ्री पर रहे. हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 64th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019? 64वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? आलिया भट्ट, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, भूमि पेडनाकर? तो अभी ये अवार्ड आलिया भट्ट ने राजी मूवी के लिए जीता है. अगर आपको पूरा लिस्ट चाहिए कि किसने कौन कौन सा अवार्ड जीता, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके इस लिंक से पूरा याद कर सकते हैं. तो आज के लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. तो वो क्वेश्चन है हु वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड होने वाले PDF में है. आप उस PDF को डाउनलोड करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. तो इस चैनल पर मैं हर रोज करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहता हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप हर रोज ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले इस चैनल पर सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी. धन्यवाद, थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.